forte. Vendo que isso vai dar. हेलो गाइस, आपने इस तरह का वीडियो कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा इंस्टाग्राम रील्स पर या यूट्यूब पर। तो गाइस ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल बन हो गया था गाइस, कम से कम 100 मिलियन से ज़्यादा इन पर व्यूज आए हैं कृष्णा के। तो गाइस आज हम इस प्रकार का वीडियो बनाना बताएंगे। तो गाइस सबसे पहले गाइस आपको अपना मोबाइल लेना है, मोबाइल लेने के बाद कैमरा ओपन करना होगा। कैमरा ओपन करने के बाद गाइस आपको ये वीडियो गाइस आपको इस तरह से शूट करना होगा गाइस। कम से कम 3 या 4 सेकेंड का वीडियो ही बनना चाहिए गाइस। आप कितना ही बड़ा वीडियो बना सकते हो गाइज, आपको एडिटिंग करना पड़ेगा उस वीडियो की। तो गाइज आपको मैं वीडियो शूट करके बता रहा हूँ। तो गाइज इस तरह का वीडियो शूट करने बाद गाइज इस फोटो को गाइज को कैप्चर कर लेना है। कैप्चर करने बाद गाइज आपको आना होगा गूगल क्रोम पर। गूगल क्रोम पर गाइज आके मैं आपको बताता हूँ। गूगल क्रोम पर आने के बाद गाइज आपको सर्च करना होगा रिमूव बीज, जिसकी मदद से हम गाइज फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। तो गाइज आपको सर्च करने बाद गाइज एक वेबसाइट ओपन होगी, फर्स्ट वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस पर आपको गाइज एड फोटो क्लिक करके अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो गाइज। बैकग्राउंड रिमूव करने बाद गाइज आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, पहली है पिक्सआर्ट और दूसरी गाइज काइन मास्टर या VN एप्लीकेशन, जिसे हम वीडियो एडिट करते हैं। हेलो गाइज, फोटो को कैप्चर करने के बाद मैंने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके आपको वो बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के बाद गाइज आपको टूल पर आना होगा। टूल पर आने के बाद ही गाइज आपको क्रॉप पर क्लिक करके इसका साइज़ को यहाँ से बढ़ा लेनी, इस तरह से आपको एडजस्टमेंट कर लेनी होगी। ऊपर यहाँ पर डन कर देना है। डन करने के बाद गाइज आपको यहाँ से आगे अगर ऐड फोटो पर क्लिक करना होगा। ऐड फोटो पर क्लिक करके गाइज आपको वो फ़ोटो सेलेक्ट करनी है जिसका आपने बैकग्राउंड रिमूव किया था। तो यहाँ से मैंने बैकग्राउंड रिमूव करके फ़ोटो को ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद गाइज इस फोटो को कुछ इस तरह से यहाँ से एडजस्टमेंट कर लेना है। फिर से गाइज यहाँ पर आपको यहाँ पर डन कर देना है। फिर गाइज आपको ऐड फोटो पर क्लिक करना है फिर से, और गाइज यहाँ पर PNG सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से इस तरह से आपको ये एडजस्टमेंट कर लेना है, और फिर से आपको यहाँ पर डन कर देना है। डन करने के बाद गाइज आपको इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद गाइज आपको मैजिक वाले इफेक्ट पर आ जाना है। मैजिक वाले इफेक्ट पर आने के बाद गाइज आपको शूल नाम का एक इफेक्ट मिल जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज आपको थोड़ा वेट हो रहा है, ये लोड ले रहा है। लोड लेने के बाद गाइज आपको इस तरह से एडजस्टमेंट कर लेना है। एडजस्टमेंट करने के बाद गाइज ये हमारी फ़ोटो एडिट हो गई। तो हम इसको डन करके फ़ोटो को यहाँ से ऊपर से सेव भी कर लेते हैं। हेलो गाइज, मैंने VN एप्लीकेशन को ऑन कर लिया है। VN एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद गाइज आपको वह वीडियो ऐड करना होगा जिसको आपने पहले शूट किया था। तो गाइज आप ऐड पर क्लिक करके वह वीडियो ऐड कर रहा हूँ। तो गाइज आप देख सकते हो इस तरह से आप वीडियो को ऐड करना होगा। VN एप्लीकेशन में वीडियो को ऐड करने के बाद कुछ भाई इस वीडियो को हम एडजस्टमेंट करेंगे। वीडियो को थोड़ा कट भी करना होगा, तो गाइज यहाँ से कट भी कर लेते हैं। गाइज केवल आपको 3 से 4 सेकंड का वीडियो ही रखना होगा। तो गाइज आपको वीडियो को डिलीट कर देना है जो बेकार वीडियो। तो गाइज आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके गाइज आपको गाइज फिर से वीडियो डिलीट कर देना है। फिर गाइज आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके आपको फ़ोटो ऐड करनी हो जिसने आपको पहले एडिट की थी। तो गाइज आप ऐड करने के बाद गाइज आप देख सकते हो हमारे कुछ इस तरह से वीडियो एडिट हुआ है। तो गाइज प्ले करके मैं बता रहा हूँ। तो गाइज प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना होगा, यहाँ से गाइज आपको इफेक्ट सेलेक्ट कर लेना कोई सा भी जो आपको बेस्ट लगे। तो गाइज मैंने यहाँ पर जूम इफेक्ट को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से ओके भी कर दिया है। तो गाइज इतना हो जाने बाद गाइज आपको मैं वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ कैसा वीडियो हमारा बना है। वीडियो एडिट हो चुका है। तो गाइज आपको हम प्ले करके दिखाते हैं। इस प्रकार का मैंने वीडियो एडिट किया है। तो गाइज आप देख सकते हो हमारा कुछ इस तरह से हमारा वीडियो बन गया था। यदि गाइज आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इंस्टाग्राम रील्स पर या इंस्टाग्राम पर, तो गाइज आप हमें कमेंट करके बता सकते हो या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। हम आपको जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कर लें।